हेलो फ्रेंड्स, मुझ वृंदावन स्वागत करुच्छे आपको आपंकर प्रिय चैनल हेल्पर ऑफ ओडिशा यूट्यूब चैनल जो चैनल द्वारा आपने डेली बेसिस शिक्षा और निजुक्ति संबंधी विभिन्न प्रकार तथ्य पाइपारे। तो फ्रेंड्स, आज एडवर्टाइजमेंट रही है चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर कोरापुट तरफ। तो प्रथम तो आपको कही रखी एथेर चारि प्रकार पदवी रही, तो एमती गोटे पदवी रही जो कि क्वालिफिकेशन रही सप्तम पास। आपड़ जदि सप्तम पास करते किठार अधिक क्वालिफिकेशन अच्छी ताले आप आवेदन करेंगे, आउपाई कौन प्रकार एक्सपीरियंस दरकार ना। ता सहित यू जो पदवी रही एथपाई कौन प्रकार एग्जाम हम ना, एथपाई रही आपंकर मार्क आपंकर एकेडमिक मार्क को लेकिन आपंकर कैरियर मार्क को लेकिन सिलेक्शन कर। तो चलते लेट न करके बर्तमान आम ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करवा आउ देखा कौन कौन पदवी रही है, कमी कौन आप आवेदन करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन रहा दरकार सब किसी देखा। ता सहित वेबसाइट लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेगी, आप विजिट करके डिटेल्स इनफर्मेशन देखी नि। सहित आगे बढ़िया पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने नुआ अतिथि बर्तमान पर्यटन आम चैनल को सब्सक्राइब करना निहत भाव में हेल्पर ऑफ ओडिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनी, फल लेटेस्ट लेटेस्ट जॉब अपडेट सहित एजुकेशन रिलेटेड समस्त इनफर्मेशन आगक एमती डेली बेसीस आपारे। सहित भिड भल लगे निहत भाव में भाई गोटे गोटे लाइक करेंगे आ बहुत मात्रा सेयार करके समस्त जहां देते। तो चलते बिना टाइम वेस्ट आज को आरंभ करवा। हाँ फ्रेंड्स, बर्तमान आम आम ऑफिशियल वेबसाइट अच्छा। तो फ्रेंड्स, निजुक्ति रही ऑफिस ऑफ द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर कोरापुट तरफ। तो प्रथम तो आपको कही रखी ऑल ओडिशा बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, और आपड़ जदि पदवी में सिलेक्शन होती आप कोरापुट जिलार ही निजुक्ति पाए। एर पदवी रही प्रथम रही जूनियर रेडियोग्राफर एथपाई गोटे पदवी रही, देन रही जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन पाथोलॉजी एथपाई आठटी पदवी रही, देन रही जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन मलेरिया एथपाई एगार पदवी रही, देन रही अटेंडेंट पाई दस टी पदवी रही। तो मोटे तीस टी पदवी रही, तेणु जो मैंने एलिजिबल होती निहाती भाव में आवेदन करूँ। तो आवेदन प्रक्रिया कथ जब कह ऑफलाइन मोड में आवेदन कराया पड़ो, आपको पोस्टल जरिया स्पीडी पोस्ट कि रजिस्टर पोस्ट माध्यम पठाई पारे, आउपाई आप्लिकेसन फी संपूर्ण भाव में मागणा रही है। आवेदन करने ये आड्रेस रही आप देखिपे ऑफिस ऑफ द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर कोरापुट आट पीओ डिस्ट कोरापुट पिन रही 764020। तो यही आड्रेस आप्लिकेसन फर्माट समस्त डॉक्यूमेंट्स को पठाइवा को पड़ो, और आवेदन करार शेष तारीख रही 21/1/2019 अर्थात 21/1/2019 पूर्व आपंकर आप्लिकेसन फर्माट पहुँचवा दरकार, पर पहुँचे से मैंने रिजेक्ट करदे। रही क्वालिफिकेसन, तो क्वालिफिकेसन कथ जब कह प्रथम रही आपंकर जूनियर रेडियोग्राफर, तो ये क्वालिफिकेसन रही आपको निहती भाव में प्लस टू साइंस पास कर दरकार, आपको निहती भाव में डीएमआरटी कोर्स कर दरकार, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी जो कोर्स रही से ही कोर्स को कंप्लीट कर दरकार, सहित प्लस टू साइंस पर यह कोर्स को कर दरकार, प्लस टू आपको साइंस कर दरकार, और डीएमआरटी कोर्स को कंप्लीट कर दरकार। तापर एथिपाई एज लिमिट रही 21-32 वर्ष मध्य होता दरकार, सहित एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी रही। रही जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन जैक पाथोलॉजी, तो एथिपाई क्वालिफिकेशन रही आपको प्लस टू साइंस पास कर दरकार, सहित जो रही डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी जो डीएमएलटी कोर्स रही जो ब्लड टेस्टिंग जो टेस्टिंग विभिन्न प्रकार जो रही मेडिकल लाइन रो, तो जो से टेस्टिंग कोर्स रोचे डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी कोर्स रोचे से कोर्स को कंप्लीट कर दरकार, आउ एज रही 21-32 वर्ष मध्य रही, एज रिलैक्सेशन रही रिजर्व कैटेगरी पाई। तापर रही जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन मलेरिया, तो एथिपाई सेम भी क्वालिफिकेशन रही प्लस टू साइंस कर दरकार, तापर डीएमएलटी कोर्स कर दरकार, जो रही डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स कर दरकार। ये दुईट कोर्स जब आप करते आपाई एलिजिबल हो पारे आवेदन करेंगे, एज रही 21-32 वर्ष मध्य होता दरकार, एज रिलैक्सेशन रही। रही अटेंडेंट पदवी, तो एथपाई क्वालिफिकेशन केवल सप्तम पास, आपड़ी एम ई पास करते आवेदन करेंगे, किमी जब अधिक क्वालिफिकेशन अच्छी दशम प्लस टू प्लस थ्री तालोल आवेदन करेंगे। तो सर्वनिम्न रही सप्तम पास, जदि सप्तम पास करते आप आवेदन करेंगे, आउपाई एज रही 18-32 वर्ष मध्य एज रिलैक्सेशन रही रिजर्व कैटेगरी पाई। एवं सैलरी कथा जब कह आपंकर लेवल 7 अनुसार सैलरी मिल जहाँकि जो रही सेल नंबर 1 पे मैट्रिक्स टेबल अंडर ओ आर एस एपी रूल 2017 रही से रूल अनुसार आपको सैलरी मिल। सहित जो आवेदन करेंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार, डॉक्यूमेंट्स आपंकर रही ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट,
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ DMRT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି DMLT ଦେବେ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଠା ଦେଇକି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭଲ୍ଭ ଦରକାର 24x10 ସାଇଜ୍ର, ତା ସହିତ ସେଥିରେ 25 ଟଙ୍କିଆର ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଯଦି ନାହିଁ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକାଡ଼େମିକ୍ ଇୟର୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବାର ଅଛି ଅଫିସିଆଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍, ତ ଏଇ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରି ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ସଠିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ରହିଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବେଦନ ହେବେ, ତ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ପର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଫଳରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।